सब्जेक्ट फर्स्ट पार्ट पढ़न क्वेश्चन प्री बोर्ड एग्जाम के विच जो तुहाडा हुण एग्जाम होना ओहदे विच रोमन के विच फर्स्ट पार्ट लिखा होगा इहदे 3 मार्क्स है दो अणडिठे वर्त पहरे एक अणडिठी कार टुकड़ी ना लिसन इत्थे टाइटल दित्ता होया हेठ लिखे 6 प्रश्नां विचों 5 प्रश्नां दे सही उत्तर दिओ सही उत्तर चुनो एक गल ध्यान से देखो उत्थे 6 दित्ता होया सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 और जिहड़ा सेकंड क्वेश्चन आ ओनू सीक्वेंस की आ 7 8 9 10 11 12 थर्ड की है अणडिठी कार टुकड़ी 13 14 15 16 17 18 और 18 क्वेश्चन तक तुहाडा फर्स्ट पार्ट है पहले तो ध्यान रखो 18 क्वेश्चन तक तुहाडा फर्स्ट पार्ट मींस रीडिंग स्किल ठीक है रीडिंग स्किल ऐ हमें नहीं दिता होगा ये मैं तुम्हें इजी कर ले दस रही हूं तुसी अपने माइंड च रखना फर्स्ट टू 18 क्वेश्चन की है रीडिंग स्किल मींस मुक्की करना किवें अटेम्प्ट करना जेड़ा तुम्हें ओएमआर शीट मिलनी है और एक 50 क्वेश्चन लिखोगे 50 का अकॉर्डिंग तुसी आंसर करना पर तुसी ओवर अटेम्प्ट नहीं करोगे कीप इट इन माइंड दिस थिंग हर एक सब्जेक्ट ओवर अटेम्प्ट नहीं करो जिथे ओवर अटेम्प्ट हो गया तुसी लॉस ते तुसी पहले 6 क्वेश्चनों दे विचों अच्छी तरह सोच के केयरफुली कि मैंने केड़े 5 आंसर अच्छी तरह आंदे जेड़ा नहीं आंदा वो छोड़ना है ਜੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਜੇ 6ਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 6 ਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਖਾਲੀ ਛੋੜਨਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਰਕਨ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੋਲੋ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਸੇ 6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਰਕਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ 5 ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 7 ਟੂ 12 ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਟੂ 12 ਵਿੱਚ 5 ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 6 ਚੋਂ 5 ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੇ 7 ਟੂ 12 ਚੋਂ ਐਨੀ 5 ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਟੈਂਪਟ ਐਨੀ 5 ਠੀਕ ਹੈ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਅਣਡਿੱਠੀ ਕਾਵ ਟੁਕੜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਣਡਿੱਠੀ ਕਾਵ ਟੁਕੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤਾਂ 13 ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਣਾ ਫਿਰ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਅਣਡਿੱਠੀ ਕਾਵ ਟੁਕੜੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕਰੋ ਹਰੇਕ ਪਾਠ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪੜਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ 6-6 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ 18 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ 15 ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਓਵਰ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਚੁਆਇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੁਆਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਲਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣੇ 50 ਠੀਕ ਹੈ 50 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ 40 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲੀਏ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਰਟਸ ਲਿਖੇ ਹੈ ਐਦਾਂ ਪੜਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿਆਕਰਨ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
फर्स्ट क्वेश्चन की है उसका नंबर की जाएगा बोलो 19, 20, 21, 22, 23 ठीक है। समासी शब्द फिर लिखे पांच प्रश्नों विचों चार दे सही उत्तर चुनो। नोट कर लो समासी शब्द चार दे सही उत्तर चुने पांच नो फाइव दे फाइव क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। मैं फिर बार बार वही चीज तुम्हें दस रही हूँ ओवर अटेम्प्ट नहीं करना। फाइव दे विचों चार क्वेश्चन पहले देख लो पहले तो वो कर लो ना जो तुम्हें ईजीली आते हैं फिर जेडे टू क्वेश्चन डाउट है ना तीन तो तुम ईजीली करोगे टू क्वेश्चन से डाउट रह गया उन्होंने विचों जिदे तो तुम कन्फर्म हो ना कि यही हो सकता उन्होंने करना बाकी अटैम्प्ट नहीं करना। मैं बच्चे हरेक सब्जेक्ट के लिए दस रही हूँ ओवर अटैम्प्ट नहीं करना। ओवर अटैम्प्ट करोगे लॉस थोड़ा ठीक है। नेक्स्ट 24, 25, 26, 27, 28 एक ही है बेटे बहुआर्थक शब्द बहुआर्थक शब्द ये भी की है पंजा चो चार करो ठीक है। 28 तक नंबरिंग याद कर लो 24 तो लेके 28 तक वो आर्थिक शब्द बस ए लिख लो अपनी अपनी नोटबुक पे। फर्स्ट सिक्स क्वेश्चन अनडिठा वार्तक पैरा सेकेंड किन्ने सेवन तो लेके ट्वेल्व तक फिर अनडिठा वार्तक पैरा अनडिठी काव टुकड़ी किन्ने तो है बोलो जल्दी 13 to 18 ठीक है। यह लर्न करना जरूरी है बाकी सब तुम अटैम्प्ट अच्छा कर लोगे फिर तुम्हें तो पता होगा कि मैं इन विचों केड़े फाइव है बच्चे। यस यस लिखा होगा पर फिर भी सीक्वेंस ध्यान च रखना जरूरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट दस सकते हो 29, 30, 31 इतने की आना हेठ लिखे तीन प्रश्नों विचों क्यों दो दो दे सही उत्तर दियो ठीक है क्लियर। हुण ये सोच लो कि 31 तक तुहाडा 31 तक तुहाडे टू पार्ट्स कंप्लीट हो गए 18 क्वेश्चन तक फर्स्ट पार्ट रीडिंग स्किल लिखो सारे रीडिंग स्किल 18 क्वेश्चन तक 19 तो लैके 31 तक व्याकरण ठीक है। इस तरह ही नोट करो इत्थे लिखो समासी है 24 तो लैके बहु आर्थिक शब्द ठीक है बच्चे बहु आर्थिक और इत्थे है मुहावरा ठीक है। ये मैं वैसे तुहानू ग्रुप च भी सेंड करांगी इदां दा ही पूरा पैटर्न बना के और तुहानू मैं कल क्वेश्चन पेपर भी सेंड किया सीबीएसई का और उसकी आंसर की भी ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पाठ पुस्तक थर्ड पार्ट थ्री पार्ट्स है सिर्फ पेपर के थ्री पार्ट है तुहाडे पंजाबी दे पंजाबी दा पेपर अटैम्प्ट करना कोई मुश्किल नहीं ठीक है। बस समझ के करना ध्यान नाल करना। हुण नोट करो हेठ लिखे पांच प्रश्नों विचों चार दे सही उत्तर देने हैं किदे चों काव रचनावां नंबरिंग 32, 33, 34, 35, 36 ठीक है बच्चे। काव रचनावां जिहड़ियां दो ने तुहाडे सिलेबस विच सो क्यों मंदा आखिए ते कृपा करके बख्श लो उहदे चों फाइव क्वेश्चन दित्ते होणगे तुसीं चार करने ठीक है। अगला है 37, 38, 39, 40, 41, 42 वार्तक लेख यह है काव रचना यह लिखा नहीं होना उत्थे काव रचनावां ठीक है आने सीक्वेंस ही है कि पहला काव रचनावां दे आने है उत्थे टाइटल की दिता होएगा बेटे हेठ लिखे पांच प्रश्नों चो कोई चार करो। हुण इहदे च की लिखा होना वार्तक
कोई छे प्रश्न दे विचों कोई पंज करो। एदा मतलब है जेडे वार्तक लेख ने केड़े केड़े वार्तक लेख बेटे घर दा प्यार ते बोली 5 मार्क्स ही बेटे दित्ती हुई है। ठीक है डन। हुन नेक्स्ट 43, 44, 45, 46 कहानी कुल्फी। कहानी कुल्फी तुहानू सिक्कल से ही दस दिता कि 43 तो लैके 46 तक, 43 तो 46 तक कुल्फी कहानी दे क्वेश्चन होने हैं जो सुजान सिंह की लिखी हुई है। और इना विच्चों एनी थ्री चार विच्चों कोई तीन करो। लास्ट क्वेश्चन 47, 48, 49, 50 जफरनामा इकांगी चार चो कोई तीन करो। एदा मीनिंग की होया हरेक पार्ट दे विच एक क्वेश्चन दी चॉइस है। ठीक है पर तुसी ओवर अटेम्प्ट नहीं करने, सोच समझ के, मैं बार बार इको वर्ड कहनी, सोच समझ के ध्यान नाल जिन्ने क्वेश्चन दाओ नंबर दा क्वेश्चन है उन्ने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। सबनों क्लियर हो गया?